प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, द सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. इस एग्जांपल में हम सिग्नम फंक्शन को एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिसकंटिन्यूस प्रूव करेंगे. दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी देन सिग्नम ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स, वन के इक्वल होगा. नेक्स्ट, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर x की वैल्यू स्टूडेंट्स आप ज़ीरो लेते हैं देन सिग्नम ऑफ x क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा. नेक्स्ट, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन इफ़ x इज लेस देन ज़ीरो. यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है. अगर x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी देन सिग्नम ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस वन के इक्वल होगा. वी शैल शो दैट सिग्नम ऑफ x डज नॉट हैव अ लिमिट एट x इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सिग्नम फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये शो करेंगे कि सिग्नम ऑफ x की लिमिट एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पर डज नॉट एग्जिस्ट. यानी अगर हम ये शो कर लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो सिग्नम ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट देन सिग्नम ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो. देखें स्टूडेंट, सिग्नम ऑफ x यानी इस फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा. क्योंकि हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशन को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. वी डू दिस बाय शोइंग दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन. स्टूडेंट्स इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक ऐसी सीक्वेंस एक्स एन लेंगे साइड दैट लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो. यानी इस फंक्शन में हम एक ऐसी सीक्वेंस लेंगे जिसकी लिमिट इक्वल होगी ज़ीरो के. यानी जो भी आप स्टूडेंट सीक्वेंस लेंगे एक्स एन, अगर आप उस पर लिमिट अप्लाई करें यानी x अप्रोचेज टू ज़ीरो ऑफ एक्स एन, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए. क्योंकि हम स्टूडेंट्स इस फंक्शन को एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिसकंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं. तो अगर आप कोई भी सीक्वेंस एक्स एन लेते हैं देन अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो बट सिग्नम ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस. देखिए स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो भी आप ये सीक्वेंस एक्स एन ले रहे हैं उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन जब आप सिग्नम ऑफ एक्स एन फाइंड करते हैं यानी सिग्नम ऑफ एक्स एन यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता या कन्वर्ज नहीं करता देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो सिग्नम ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. यानी जो भी आप सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स एन, अगर वो आप स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब है कि वो डज नॉट कन्वर्जेस. यानी वो जो सिग्नम ऑफ एक्स होगा फंक्शन होगा वो कन्वर्जेस अगर नहीं होगा, अगर आप उसमें सीक्वेंस पुट करते हैं देन दिस इम्प्लाइज सिग्नम ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस. तो अगर ये कन्वर्ज नहीं करता तो इसका मतलब है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कौन से सीक्वेंस लेंगे एक्स एन, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक्स एन लेते हैं माइनस वन की पावर एन ओवर एन. ये हम स्टूडेंट सीक्वेंस ले रहे हैं किस में, इसी फंक्शन में से सिग्नम ऑफ एक्स में से हमने एक सीक्वेंस ली है एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन ओवर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन. यहाँ पर स्टूडेंट जो एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. एज लिमिट एन अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस वन की पावर एन ओवर एन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर आप स्टूडेंट्स इसी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें एक्स एन की, एक्स एन हमने क्या लिया स्टूडेंट सीक्वेंस माइनस वन की पावर एन ओवर एन ली है. तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करें लिमिट एक्स एन अप्रोचेस टू ज़ीरो
एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस वन की पावर एन ओवर एन, ये स्टूडेंट्स आएगा ज़ीरो के इक्वल। अगर आप स्टूडेंट्स इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप इस सीक्वेंस पर लिमिट अप्लाई करते हैं एन अप्रोचेस टू ज़ीरो देन दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट देखें, अगर हम एक्स एन की यही वैल्यू फंक्शन में पुट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स सिग्नम ऑफ एक्स किस के इक्वल होता है, एक्स ओवर एक्स का मॉड फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर स्टूडेंट जो सिग्नम फंक्शन डिफाइन हम कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, एक्स ओवर एक्स का मॉड फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इसमें एक्स की जगह एक्स एन की वैल्यू रिप्लेस करें, स्टूडेंट्स एक्स की जगह आप एक्स एन की अगर वैल्यू रिप्लेस करते हैं देन देखिए यहाँ पर सिग्नम ऑफ एक्स एन इज़ इक्वल टू माइनस वन की पावर एन ओवर एन ओवर माइनस वन की पावर एन ओवर एन का मॉड। तो अगर स्टूडेंट्स आप माइनस वन की पावर एन का मॉड फाइंड करते हैं, माइनस वन की पावर एन, इसका मॉड स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, वन के इक्वल ही होता है। अगर यहाँ पर एन की आप कोई भी वैल्यू पुट करें और अगर आप माइनस वन की वही पावर लें तो अगर आप उसका मॉड फाइंड करते हैं तो हमेशा ये वन के इक्वल ही रहता है। और एन का मॉड स्टूडेंट्स क्या होता है, एन ही होता है। एन का मॉड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एन ही होता है, क्योंकि एन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वन का मॉड फाइंड करते हैं तो वन ही होता है, टू का मॉड क्या होता है स्टूडेंट्स, वो टू ही होता है, यानी एन का मॉड क्या होता है, एन के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर एन ओवर एन, जब आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एन ओवर वन। तो एन से एन कैंसिल करें तो सिग्नम ऑफ एक्स एन क्या आता है, माइनस वन की पावर एन आता है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स सिग्नम ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन की पावर एन आ रही है। तो वी नो दैट इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो आप ये ऑलरेडी जानते हैं, हमने स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर में ये स्टडी किया था कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन माइनस वन की पावर एन, ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस की आप कोई से दो सब सीक्वेंस फाइंड करें और अगर उन दोनों की लिमिट इक्वल आती है देन दिस सीक्वेंस क्या होगी, यानी कन्वर्जेंट होगी। अगर उन दोनों सब सीक्वेंस की लिमिट डिफरेंट आती है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो अगर मैं इसकी एक सब सीक्वेंस लूँ, एक्स एन डैश ले लूँ माइनस वन की पावर, स्टूडेंट्स मैं कौन सा नंबर लूँ, इवन ले लूँ, इवन नंबर, तो ये हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमेशा हमारे पास वन ही आएगा, वन वन आएगा स्टूडेंट्स। आप अगर एक्स एन प्राइम, अगर मैं ये सीक्वेंस लूँ जिसमें मेरे पास जो एन है वो इवन नंबर हो, क्योंकि मैं सब सीक्वेंस ले रहा हूँ, अगर मैं इवन नंबर लेता हूँ तो मेरे पास ये हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, वन वन ही आएगा। अगर आप ऑड पावर ले लें, एक और सब सीक्वेंस ले लें एक्स एन डबल प्राइम, जिसमें आपने एन की वैल्यू क्या ली है, ऑड ली है, तो ये स्टूडेंट्स हर बार क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो इस सीक्वेंस की लिमिट पॉजिटिव वन है, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, नेगेटिव वन। तो ये दोनों लिमिट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हमने ये दोनों सब सीक्वेंस ली हैं इसी सीक्वेंस के लिए, तो ये दोनों की लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट, डिफरेंट आ रही है। दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर देखें, देयरफॉर सिग्नम ऑफ एक्स डज नॉट कन्वर्जेस, इसका मतलब है कि जो सिग्नम ऑफ एक्स एन है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। सो लिमिट सिग्नम ऑफ एक्स एन डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर सिग्नम फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि सिग्नम फंक्शन क्या होगा, वो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिरिचलेट डिसकंटिन्यूस फंक्शन। स्टूडेंट्स ये फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स पर किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता, तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ए क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं, या आप कह लें कि ए बिलोंग्स टू आर। और हम स्टूडेंट्स जो सेट ए ले रहे हैं वो क्या है, आर के इक्वल ही है। एंड लेट एफ बी डिरिचलेट डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और स्टूडेंट्स इस फंक्शन का नाम ही डिरिचलेट डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज रैशनल नंबर।
अगर स्टूडेंट्स एक्स रैशनल नंबर है देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वन के इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एक्स इज इरेशनल नंबर। और स्टूडेंट्स अगर एक्स क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, देन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है डिरिचलेट डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम इस फंक्शन को आर पर क्या करेंगे, डिसकंटीन्यूअस प्रूफ करेंगे, यानी नॉट कंटीन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो इसकी देखते हैं रीज़न, इसकी रीज़न क्या है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर पर किसी भी पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस क्यों नहीं है। वी क्लेम दैट एफ इज नॉट कंटीन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ आर इफ सी इज रैशनल नंबर। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम कोई सी रैशनल नंबर लेते हैं और जो सी है स्टूडेंट्स वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो सी नंबर है हम ले रहे हैं, जो रैशनल नंबर है वो आर से बिलोंग कर रहा है। इफ सी इज रैशनल नंबर लेट एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स दैट कन्वर्जेस टू सी। स्टूडेंट्स आप सी क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से ले रहे हैं, देन लेट एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, यानी आप एक रैशनल नंबर ले रहे हैं सी और इसके अकॉर्डिंग आप एक सीक्वेंस एक्स एन ले रहे हैं, और ये सीक्वेंस कौन से है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स के, क्या है, इरेशनल नंबर्स के। स्टूडेंट्स हम सी क्या ले रहे हैं, रैशनल नंबर ले रहे हैं, और जो सीक्वेंस है एक्स एन वो क्या है, इरेशनल नंबर्स की है। और ये जो सीक्वेंस एक्स एन है स्टूडेंट्स, ये एक्स एन ये कन्वर्ज करती है सी को, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं इरेशनल नंबर्स की, ये उस पॉइंट को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो बाय डेंसिटी थ्योरम अब स्टूडेंट देखिए डेंसिटी थ्योरम क्या है कि इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स। अब देखें स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स वो एदर क्या होता है, रैशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है। अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी नंबर लेते हैं रियल नंबर, तो वो क्या होगा, एदर रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद एक्स इज लेस देन वाई, ये हम स्टूडेंट्स जो डेंसिटी थ्योरम है हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद एक्स इज लेस देन वाई देन देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर आर। अगर एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर्स होंगे देन देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर आर साई दैट कि आर इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्हें अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स लेते हैं तो उनके मुकाबले में स्टूडेंट्स एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उस नंबर से, यानी एक्स से ग्रेटर होगा और वाई से क्या होगा, लेस होगा। ये था हमारा स्टूडेंट्स डेंसिटी थ्योरम। नेक्स्ट एक देख लेते हैं क्लियरली 2.49। स्टूडेंट्स इस डेंसिटी थ्योरम के बाद एक क्लियरली भी हमने डिस्कस की थी सेकेंड चैप्टर में, ये क्या थी कि अगर एक्स और वाई कोई से दो रियल नंबर्स हैं विद एक्स इज लेस देन वाई देन देयर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर जेड बिलोंग्स टू क्यू डैश साई दैट कि जेड इज ग्रेटर देन वाई लेस देन, सॉरी, जेड इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई। यानी अगर आप कोई से दो रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, अगर आप कोई से दो रियल नंबर लेते हैं, अगर इनके दरमियान क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी होनी चाहिए कि एक्स इज लेस देन वाई होना चाहिए। अगर आप कोई से दो रियल नंबर लेते हैं जिसमें एक नंबर दूसरे से लेस है, तो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि एक रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों थ्योरम से देखें कि हमारे पास रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर सकता है और इरेशनल नंबर भी, ये था इरेशनल नंबर, ये था रैशनल नंबर, साई दैट कि जो आर या जेड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर देन एक्स होगा, लेस देन क्या होगा, वाई होगा। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों थ्योरम्स को देखें तो सच सीक्वेंस मस्ट एग्जिस्ट, सच सीक्वेंस एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगर हम इन थ्योरम्स को देखते हैं तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या होगी, जो हम ये लेड कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, ये स्टूडेंट्स क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रैशनल नंबर ले रहे हैं ना हम, तो इसकी सीक्वेंस भी यहाँ पर इरेशनल नंबर ले रहे हैं, तो इन दोनों की सीक्वेंस तो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अगर आप कोई सही लेते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर, तो एक्स एन क्या होगी, इरेशनल नंबर की सीक्वेंस होगी सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय दिस थ्योरम एंड क्लियरली वी हैव सच ए सीक्वेंस मस्ट एग्जिस्ट सिंस एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सीक्वेंस ले रहे हैं कौन सी इरेशनल नंबर की, तो उसका स्टूडेंट्स लिमिट क्या आती है, ज़ीरो आती है। देखें, अगर आप कोई भी इरेशनल नंबर की सीक्वेंस लेते हैं, और देखें यहाँ पर हमें जब हम क्या लेते हैं, एक्स को इरेशनल नंबर लेते हैं, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है। तो यहाँ पर देखें, सिंस एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, लिमिट एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म यानी अगर हमारे पास देखें एक्स एन कोई भी इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा स्टूडेंट्स, हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा बाय दिस वैल्यू। और अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, वाइल एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू वन, क्योंकि सी स्टूडेंट्स क्या रैशनल नंबर है, तो अगर आप यहाँ पर सी को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लिमिट जब अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स एन, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, जबकि एफ ऑफ सी क्या है, वन है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स ज़ीरो और वन आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, तो स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए, तो ये ज़ीरो है, ये वन है, सो एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट रैशनल नंबर्स। ठीक है सी, तो इसका मतलब है कि फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, रैशनल नंबर पर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई सी लेते हैं जो रैशनल नंबर है, तो उसके मुकाबले में स्टूडेंट्स एक इरेशनल नंबर की सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर हम उस सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो ज़ीरो आती है, जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट तब भी वो ज़ीरो आएगी, जबकि एफ ऑफ सी क्या है, वो वन के इक्वल है, क्योंकि अगर x रैशनल होगा तो f ऑफ c या जो भी नंबर होगा वो क्या आएगा, वन की इक्वल आएगा। सो फंक्शन क्या होगा, इज़ नॉट कंटीन्यूअस एट रैशनल नंबर c। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द अदर हैंड लेट b बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, पहले हमने स्टूडेंट्स क्या लिया था, रैशनल नंबर लिया था, अब हम ऑन द अदर हैंड अब क्या ले रहे हैं, एक इरेशनल नंबर b ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेट b बी इरेशनल नंबर, लेट y एन b सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने c लिया था रैशनल नंबर और सीक्वेंस ली थी इरेशनल नंबर की, यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं स्टूडेंट्स इरेशनल और सीक्वेंस क्या ले रहे हैं, वो रैशनल ले रहे हैं, दैट कन्वर्जेस टू b। ठीक है, सच सीक्वेंस एग्जिस्ट बाय डेंसिटी थ्योरम। तो ये जो सीक्वेंस होगी y n वो भी एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डेंसिटी थ्योरम में देखा था कि x n भी एग्जिस्ट कर रही है, तो y n भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर आप c ले यानी जो b ले रहे हैं वो इरेशनल नंबर है, तो जो y n है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स है जो कन्वर्ज कर रही है b को, सच सीक्वेंस एग्जिस्ट। ठीक है, और देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स क्या कर रही थी, x n सी को कन्वर्ज कर रही थी, यहाँ पर जो वाई एन है वो बी को कन्वर्ज कर रही है, सच सीक्वेंस एग्जिस्ट बाय डेंसिटी थ्योरम। सिंस एफ ऑफ वाई एन इज इक्वल टू वन, स्टूडेंट्स देखें जो हमारे पास सीक्वेंस है वो रैशनल नंबर की है, तो एफ ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, वाई एन वो वन के इक्वल होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तब भी स्टूडेंट्स क्या होगी, वो वन के इक्वल होगी, वाइल एफ ऑफ बी क्या होगा, स्टूडेंट्स ज़ीरो होगा, क्योंकि जो बी स्टूडेंट्स हैं वो इरेशनल नंबर है। अगर बी इरेशनल नंबर है तो एफ ऑफ बी स्टूडेंट्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, और ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में फिर इक्वल नहीं है, यानी लिमिट एफ ऑफ वाई एन इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयरफॉर एफ इज़ नॉट कंटीन्यूअस एट इरेशनल नंबर बी। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या है, फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। सिंस एवरी रियल नंबर इज़ एदर रैशनल और इरेशनल, सो फंक्शन इज़ नॉट कंटीन्यूअस एट एनी पॉइंट इन आर।
स्टूडेंट्स, अभी ये मैं आपको बता चुका हूँ जो रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, या रैशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है। तो दोनों केसेस में स्टूडेंट्स ये आपस में, यानी फंक्शन क्या है, दोनों केसेस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट इन आर, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है वो, यानी सेट ऑफ जो रियल नंबर्स है उसके किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।